हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आवर। मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्किस बानो केस के बारे में। ये केस फिर से लाइमलाइट में है, फिर से न्यूज़ में है और इसका रीज़न ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट ऑब्जर्वेशन दिया है इस केस में कि सेलेक्टिव रिमिशन क्यों हुआ। इससे पहले मैं बता दूँ रिमिशन क्या होता है। तो रिमिशन का मतलब होता है शॉर्टनिंग द सेंटेंस, ठीक है, या तो सेंटेंस को कम करना या छोड़ देना दोषियों को। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, कोर्ट से गवर्नमेंट से पूछा है कि सेलेक्टिव रिमिशन क्यों हुआ है। इससे पहले गुजरात गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने अपना सबमिशन दिया था कि ये जो क्राइम था बिल्किस बानो केस में, जो क्राइम था ये एक हीनियस क्राइम था, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम नहीं था, इसलिए इसमें इंप्रूवमेंट को, जो दोषी है उनको इंप्रूवमेंट, अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए, ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट ऑब्जर्वेशन दी हुई है। तो इससे अब हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं कि बिल्किस बानो केस में हुआ क्या था, ठीक है। इस केस को हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हुआ ये था कि सबसे पहले एक कार सेवक जा रहे थे किसी ट्रेन में, जो कि साबरमती एक्सप्रेस में जा रहे थे, और उस ट्रेन में आग लग जाती है, आग लगा दिया जाता है, जिसमें से बहुत सारे कार सेवक जो है की जान चली जाती है। इससे गुजरात में दंगा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। इससे पहले भी कॉम्युनल एनवायरमेंट वहाँ पर रहती है, कॉम्युनल टेंशन रहते हैं, और इससे मेनली जो है दंगा भड़क जाता है। अब इससे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, अलग अलग सेफ प्लेस जाने की कोशिश करते हैं। इसी में से बिल्किस बानो जो है, एक लेडी रहती है 21 इयर्स लेडी, ये खुद भी अपने फैमिली को लेके दूर जाने की कोशिश करती है, राइड से भागने की कोशिश करती है, ठीक है। जिस ये 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी रहती है, लेकिन इसे डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही इसे मतलब इन्हें रेप कर दिया जाता है, और फिर इनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग हर 3 ईयर्स ओल्ड डॉटर, इन सबको मार दिया जाता है, इनकी जान ले ली जाती है। तो अब क्या होता है आगे, अब इसमें जब वो कंप्लेन करती है तो ना ही कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस भी टेम्पर कर दिए जाते हैं और एफआईआर भी जो है रजिस्टर नहीं होती है। फिर बिल्किस बानो क्या करती है, बिल्किस बानो एनएचआरसी को और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है सीबीआई प्रोब, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। सीबीआई फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है और फिर अक्यूज्ड जो भी अक्यूज्ड रहते हैं, आरोपी रहते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर ट्रायल स्टार्ट होती है। ट्रायल स्टार्ट जब होती है तो ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर देती है, दोषियों को सजा दे देती है। इसमें से कुछ दोषी जो होते हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद इस डिसीजन को चैलेंज किया जाता है हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट भी सेम अपहेल्ड कर देती है, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड कर देती है। ट्रायल कोर्ट में क्या होता है कि 13 लोग जो है गिल्टी फाउंड होते हैं 20 में से, और बाकी लोगों को एविडेंस नहीं होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद थ्री इयर्स सेंटेंस दिया जाता है कॉप को भी, जो कि बिल्किस बानो के कंप्लेन को फाइल करने से रिफ्यूज कर दिया था जिन्होंने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करती है इस डिसीजन को, और फिर उन दोषियों को सजा हो जाता है। हाईकोर्ट ने यह भी करती है कि जो हाईकोर्ट जो लोग छूट जाते हैं एविडेंस में, उनके एक्विटल को भी हाईकोर्ट क्वेश कर देती है, उनके एक्विटल को हटा देती है और फर्दर उनको ये कन्विक्ट कर देती है। इसके बाद होता यह है, सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑर्डर देती है गुजरात गवर्नमेंट को कि कंपनसेशन के लिए बिल्किस बानो को 50 लाख रुपीस मिलना चाहिए, या गवर्नमेंट को पे करना चाहिए उसे, उसके अकोमोडेशन और उसे जॉब भी इसके साथ साथ देना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके बाद ये होता है कि अभी जो रिसेंटली हुआ है 22 में 15 अगस्त में, कि जो रेप मर्डर थे उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक जो कन्विक्ट था राधेश्याम भगवान दास शाह, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अपनी रिमिशन प्ली को लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ये गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं और गुजरात हाई कोर्ट इनके रिमिशन प्ली को क्या कहते हैं डिसमिस कर देता है, इस ग्राउंड पे कि ये प्ली जो था महाराष्ट्र में लगना चाहिए था, क्योंकि केस जो था वो महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो चुका था। बाद में ये अपील करते हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट प्ली को एडमिट कर लेती है और कहती है कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है रिमिशन देने के लिए, और कुछ कहती है कि गुजरात गवर्नमेंट को ही इस मैटर में देखना चाहिए। इसके बाद ये होता है कि एक जजमेंट थी कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश, ठीक है, जिसको कोर्ट फॉलो करती है, जिसको साइट कर मतलब नोट करती है कोर्ट। इसमें ये था कि जब एप्लीकेशन जब क्या कहते हैं
एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ प्री मैच्योर रिलीज विल हैव टू बी कंसीडर्ड बेस्ड ऑन द पॉलिसी विच स्टूड एट द डेट ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन के डेट में जो पॉलिसी होती है रिमिशन के लिए उसे ही माना जाएगा. तो जो जिस टाइम उनका कन्विक्शन हुआ था उस टाइम जो रिमिशन पॉलिसी थी 1992 वाली वही माना गया. तो इसके बाद होता यह है कि गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म कर देती है और इस कमेटी में ये लोग रहते हैं, बीजेपी के कुछ लेजिस्लेटर रहते हैं और फिर ये जो नेम मेंशनड है यहाँ पे ये लोग रहते हैं और इनका एक मत फैसला ये आता है कि सारे लोगों को छोड़ दिया जाए, एक्विट कर दिया जाए. ठीक है, बाद में इसे चैलेंज भी किया गया. ठीक है, जो एक्विटल है बाद में जो छोड़ दिया गया इनको, रिमिशन दे दिया गया नॉट एक्विटल, तो इनको चैलेंज भी किया गया. अब बेसिकली रिमिशन जो है, रिमिशन कहाँ पे लिखा गया है और कौन से लॉज इसमें है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट को पावर होता है, गवर्नर को भी पावर होता है रिमिशन पावर, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी CRPC 432 और 433 में कोड ऑफ CRPC में ये लिखा हुआ है कि उनको भी रिमिशन का पावर. और प्रेसिडेंट के लिए 72, प्रेसिडेंट के पास पावर है 72, और गवर्नर के पास आर्टिकल 161 में पावर है कि वो रिमिशन ग्रांट कर सकती है किसी भी दोषियों को. ठीक है, थैंक यू. आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो.